बहुत सारे महिलाएं अपने चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान होते हैं। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कि चेहरे पर महिलाओं में होने वाली अनचाहे बालों का कारण और उसका इलाज। तो चलिए, मैं डॉक्टर रेखा, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट, इस समस्या के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। चेहरे पर होने वाले अनचाहे बालों के बहुत सारे कारण होते हैं। नंबर वन, जेनेटिक या अनुवंशीय। यदि आपके एक्सेस हेयर ग्रोथ का कारण जेनेटिक है, तो आपके चेहरे के किसी भी भाग पे एक्सेस हेयर ग्रोथ रह सकता है। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि चेहरे के अलावा आपके और बॉडी पार्ट्स पे भी एक्सेस हेयर ग्रोथ रह सकता है, और यूजली ये पैटर्न आपको आपके फैमिली मेंबर्स में भी दिखाई देता है। नंबर टू, हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें सबसे कॉमन कारण है PCOD, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, जो आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो PCOD के लक्षण क्या क्या है? चेहरे पर अनचाहे बालों के ग्रोथ होना, पिंपल्स होना और इरेगुलर पीरियड्स होना। तो PCOD कैसे होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, PCOD एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। तो यदि आपका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा जंक फूड्स कंज्यूम करना, टाइमली नहीं सोना, स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल पैटर्न है, तो इन सारे चीज़ों के कारण आपका वेट बढ़ता है और उस कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होकर आपको PCOD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो PCOD में एंड्रोजन डिपेंडेंट एरियाज में एक्सेस हेयर ग्रोथ होता है। एंड्रोजन डिपेंडेंट एरियाज वो होते हैं जहाँ नॉर्मली मेल्स के फेशियल हेयर ग्रोथ होते हैं, जैसे कि अपर लिप, बियर्ड एरिया और चिन एरिया। इसके अलावा आप आपके चेस्ट पर भी एक्सेस हेयर ग्रोथ देख सकते हैं। तो PCOD के अलावा और भी बहुत सारे हार्मोनल कंडीशंस हैं जिसके कारण आपके फेस पर एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकता है। इसके लिए सही इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, जिससे हम इन हार्मोनल कंडीशंस को सही टाइम पे पहचान सकते हैं। नंबर थ्री, मेडिसिंस। मेडिसिन में सबसे कॉमन मेडिसिन जिससे एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकता है, वो है स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, जिसमें मेनली होते हैं स्टेरॉइड्स। ऐसे स्टेरॉइड कंटेनिंग स्किन लाइटनिंग क्रीम्स को आपके चेहरे पर लगाने से उस एरिया पे एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाता है। पर इस कंडीशन का एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे आप इन स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स को आपके चेहरे पर लगाना बंद करेंगे, उसके बाद हेयर ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, पर ये रिवर्स नहीं होगा। इसके अलावा एक और मेडिसिन जिससे आपके एक्सेस हेयर ग्रोथ फेस पे हो सकता है, वो है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे बहुत ही कॉमनली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में यूज किया जाता है। मतलब आपके सर पर यदि हेयर लॉस है या बाल्डनेस है, तो उसमें मिनोक्सिडिल को बालों को वापस उगाने के लिए यूज किया जाता है। और इस मेडिसिन को यदि आप सही तरीके से नहीं लगाते हैं, तो आपके चेहरे पर भी एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकता है। तो इसीलिए जब आप इस ड्रग को यूज कर रहे हैं, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही यूज कीजिए। तो ये थे चेहरे पर एक्सेस हेयर ग्रोथ होने के कारण। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो फेशियल हेयर ग्रोथ का कारण समझने के बाद इसका ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो एक्सेस हेयर ग्रोथ के अंडरलाइन कॉज को ठीक करने के बाद जो फेशियल हेयर रह गए हैं, उनको परमानेंटली हटाने का एकमात्र ट्रीटमेंट है लेजर हेयर रिडक्शन। लेजर हेयर रिमूवल के बारे में हमने डिटेल में एक और वीडियो में जानकारी दी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ फेस पे एक्सेस हेयर ग्रोथ होने के कारणों के बारे में आपको जानकारी मिली है। यदि ऐसे ही स्किन एंड हेयर रिलेटेड वीडियोस में आपको इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।